गुड मॉर्निंग सत श्रीकाल आदाब नमस्कार वड़कम और जिसका मुझे और जिसका तुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार वो खड़ी आ गई आ हाँ गई अब मास्क जी हाँ मास्क तो अब उतर जाना है चिकना चेहरा हमें दिखाना है जी हाँ आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ अभी आ गई है और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो आ चुकी है हालांकि कुछ लोचा भी है बहुत सारे लोगों को भी कन्फ्यूज़न है बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं है इतने खुश मत हो लेकिन हाँ गुड न्यूज़ आ चुकी है तो बताता हूँ आज की गुड न्यूज़ क्या है और मैं कल भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सुबह भी बोला था कि मास्क मैं नहीं पहन के गया हॉस्पिटल में गलती से और कैसे लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मैंने कल कितने दिनों से मैं बोल रहा था कि मास्क में फ़ाइन अब हट जाना चाहिए और मुझे ये उम्मीद थी कि अप्रैल में मैं आते आते मास्क हट जाएगा और तो आज ठीक अप्रैल है फर्स्ट अप्रैल ये कोई अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं हम हम वैसे भी बहुत बड़े फूल हैं तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है चलो पहले बता देता हूँ आज की और क्या न्यूज़ है और इस कन इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है इस मास्क में बहुत लोग सोच रहे हैं कि बस कुछ नहीं होगा अब कुछ क्या नहीं होगा वो बताऊँगा और क्या होगा वो भी बताऊँगा देखो पहले बता देता हूँ इंडिया में तेरह केसेस आए हैं तेरह हमारे आ, एक्टिव केसेज हैं पॉइंट जीरो थ्री परसेंट हैं तो टोटल केसेस का हमारा रिकवरी रेट है इस समय नाइन्टी एट पॉइंट सेवन सिक्स और डेथ हुई है फिफ्टी टू डेली पॉस्टी रेट पॉइंट टू टू है वीकली पॉस्टूर रेट पॉइंट टू थ्री है ठीक है और फटाफट बता देता हूँ कि कहाँ से कितने केस आए फिर असली टॉपिक पे आते हैं इस मास्क की माँ बहने करने के लिए <laughs> <laughs> केरला चार सौ उनतीस महाराष्ट्र एक सौ तिरासी केसेस कर्नाटका सेवेंटी एट तमिलनाडु थर्टी फाइव आंध्रा आठ यूपी पचपन वेस्ट बंगाल थर्टी थ्री और दिल्ली एक सौ तेरह उड़ीसा बत्तीस राजस्थान बीस गुजरात ग्यारह और एम uh, पी तेरह हरियाणा छप्पन बिहार छः तेलंगाना इकतीस राजस्थान सात जम्मू कश्मीर सत्रह यूके अठारह उत्तराखंड झारखंड दो गोवा बारह हिमाचल uh, सात और मिजोरम वन सिक्सटी टू बाकी सब नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नील भट्टा सन्नाटा सब शांति है ठीक है तो चलो अब बताता हूँ आज की गुड न्यूज़ और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी ज़रूर होंगी लोगों को कि समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है देखो कल ये खबर आई और हम बहुत लोग परेशान थे मास्क की वजह से काफ़ी लोग परेशान थे और मैं ये बोल रहा था कि अब कोविड जा चुका है तो आ, मास्क भी अगर जिस दिन चला जाएगा तो आप समझ लेना कि अब कोविड ख़त्म हो गया आ, मैंने क्लिनिक पर दो तीन दिन से मास्क हटा दिया था मैं सच बता रहा हूँ मतलब पेशेंट को देख के लगाता था, था कैसा पेशेंट है उस हिसाब से मैं मास्क लगा रहा हूँ अभी भी मुझे लगता है अगर फीवर है ये सब है ठीक है लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र दिल्ली महाराष्ट्र ने एक घोषणा करी है कि अब मास्क लगाने पे कोई फाइन माइन नहीं होगा और महाराष्ट्र ने सारे ही रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए इंक्लूडिंग मास्क सिर्फ एडवाइस किया जाएगा कि भाई आप लगा लो तो बेटर है ठीक है तो ये हुआ महाराष्ट्र की तरफ से दिल्ली ने क्या करा दिल्ली ने करा कि पहले मास्क लगाने पे सड़क पे अगर आप घूम रहे हो पब्लिक प्लेसेस पे तो आपका दो हजार रुपये का कट जाता था चलान यार तो उसके बाद उन्होंने पाँच सौ रुपये का दिया जैसे जैसे पेशेंट कम होते गए इन्होंने उसको कम करते गए कल से ये कल ये घोषणा हुई है डी, -डी में की मीटिंग हुई उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे और गवर्नर भी थे और लोग भी थे डॉक्टर भी थे है ना आई के अध्यक्ष भी थे तो काफ़ी लोग थे डॉक्टर गुलेरिया भी थे तो ये डिसाइड हुआ कि मास्क को जो मैंडेट जो मास्क पे फाइन था उसको हटा दिया सिर्फ फाइन हटाया गया है कि आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे थे पाँच सौ का जो फाइन है उसको हटाया गया ठीक है मैंडेटरी अभी भी है और एक चीज़ और बताऊँ अब स्कूल खुलने वाले हैं ठीक है और फ्राइडे से पूरी कैपेसिटी में खुलेंगे तो वहाँ पे मास्क का क्या होगा मुझे लगता है अभी मास्क वहाँ पे लगाया जाएगा मुझे ऐसा लगता है टीचर या प्रिंसिपल अभी इतनी जल्दी कोई रिस्क लेने की स्थिति में होंगे नहीं होंगे और अभी एडवा मैंडेटरी किया हुआ है अभी सिर्फ़ फ़ाइन हटा है दिल्ली में सिर्फ फ़ाइन हटाया क्या भाई अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो सिर्फ फ़ाइन हटाए मास्क नहीं हटा फाइन हटाए तो बात वही है कि फ़ाइन हट गया तो अब लोग चोड़े हो जाएंगे हमारे यहाँ तो तभी बैंड बजता है जब कुछ पैसा देना पड़े जेब से तभी हम लोग सोचते हैं अब कौन लगाएगा अब मुझे लगता है कि फिफ्टी परसेंट जनता मास्क अब नहीं फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा जनता मास्क नहीं लगाएगी ऐसा दिल्ली में बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे ये घोषणा हुई है शायद तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही कुछ आ, होने जा रहा है और अब इस मास्क को हटाने से सब सबसे नुकसान तो मास्क बेचने वालों को होगा और फायदा जो होगा ब्यूटी पार्लर वालों को होगा क्योंकि असली मजा तो मेकअप कराने काबा आएगा लेडीज़ को मैं पहले कोई देखता ही था मास्क लगा होता तक जितना मर्ज़ी करा लो बहुत सी लेडीज हैं तो ये अपर लिप कराना ही बंद कर दिया तो कहती ना मास्क लगा हुआ है क्या करना है किस ना देखना कई बार गलती से मास्क नीचे पता भी नहीं चलता था आदमी औरत है अपनी बीवी को देख के बता रहा हूँ ओह हो ज़्यादा घटिया कॉमेडी होगी ना छोड़ो अच्छा चलो आगे चलते हैं और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अभी जो ओमिक्रोन आ, के सैंपल मार्च में जिनोम सिक्वेंसिंग की गई उसमें पता है कि चार सैंपल जो थे सारे के सारे ही ओमिक्रोन थे तो ना तो कोई डेल्टा ना तो डेल्टा क्रोन निकला ना कोई फलाना निकला कोई ना धमाका निकला सिर्फ ओमिक्रोन ही निकला तो ओमिक्रोन दी हो गई बल्ले बल्ले ओमिक्रोन दी हो गई शाबा शावा ना कोई तुक ना डॉक्टर कहा आप तो बस शुरू हो जाएगा आपको तो मतलब ही नहीं चलो तो अब पहले आपको बता दूं एक और कन्फ्यूज़न है कि कन्फ्यूज़न नहीं है ये रूल आया था कोर्ट की तरफ से कि और सरकार की तरफ से भी कि अब कोई भी अब क्या होता है कुछ पेशेंट ना अभी भी हॉस्पिटल में जाते ही कोविड का टेस्ट कर रहे हैं अभी भी स्क्रीनिंग पहले कोविड करा लो पहले कोविड करा लो जिसको छोट छीख भी आई है उसका भी कोविड टेस्ट हो जाता है हजार सौ पाँच सौ हजार रुपये उसके एक्स्ट्रा लगते ही लगते हैं जबकि ये रूल नहीं है अब कि आप हर पेशेंट का कोविड स्क्रीनिंग टेस्ट करें लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल अभी भी अब उल्लू सीधा कर रहे हैं इस टेस्ट को करा के मैं बता देता हूँ आपको ये रूल में नहीं है अगर आपसे कोई हॉस्पिटल इसके पैसे ले रहा है तो भाई आप उस पर इस बात पर बहस कर सकते हैं कि आपने क्यों टेस्ट करा बाकी डॉक्टर मुझे गालियाँ देना चाहें दे दें जिनकी दुकान में बंद कर रहा हूँ तो ये थी एक अच्छी खबर अब और बताता हूँ आपको अब खबर ये है कि इंडिया से एक अच्छी खबर है और श्रीलंका में तो बहुत बुरा हाल है आपको पता होगा वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है इधर पाकिस्तान की ख़राब चल रही है लेकिन इंडिया से एक गुड न्यूज़ आ रही है और मैं एक बात और बताऊँ कल कोई कोविड अगर मान लो खत्म हो जाता तो गुड न्यूज़ मैं कहाँ से लाऊंगा तो गुड न्यूज़ तो अगर आप कहेंगे आपके कहने पर मैं गुड न्यूज़ चैनल कंटिन्यू करूँगा तो गुड न्यूज़ जैसे अभी मैं एक गुड न्यूज़ लेके आऊँ तो इस तरह की गुड न्यूज़ भी बड़ी सारी आती हैं हर रोज़ जैसे कि आपको पॉजिटिव बना के रखती हैं भारत का सेंसेक्स सत्रह इंक्रीज़ हुआ है सेंसेक्स में 2021-22 में बेस्ट परफॉर्मेंस थी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में भारत के सेंसेक्स यानी शेयर मार्केट की तो इसी बात पे बल्ले बल्ले ओ शावा शावा इंडिया दी हो गई इंडिया दी हो गई तो दिल्ली की बस आप कहाँ जाएगी यार वैसे कायदे से दिल्ली की बस ना दिल्ली की बस महाराष्ट्र जानी चाहिए है ना क्यों दोनों ने मास्क हटा दिया तो चलें दिल्ली की बस महाराष्ट्र लेके चलें चलो

चलो और ये आऊ आऊँ भी अब बंद होने वाला है क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये कभी भी अब ये मैं जो नोटंकी करता हूँ ये बंद करने का टाइम शायद आ चुका है थोड़े दिन और झेल लो अगर झेलना है तो और केसेस जो आए हैं तेरह सौ पैंतीस केसेस आए हैं कल से केसेस बढ़ गए हैं सौ केसेस बढ़ के आए हैं अब असली चैलेंज पता क्या है असली चैलेंज अब होगा क्योंकि जब लोग मास्क उतारेंगे तब क्या होगा क्या केसेस बढ़ेंगे यही आने वाले दो हफ्ते बताएंगे आपको कि मास्क हटाने से क्या केसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज देखना तो पड़ेगा भाई कब तक आप ऐसे रह सकते हो कभी ना कभी तो आपको मास्क उतारना ही होगा तो देखते हैं लेट्स सी कि हमारी जो हाइब्रिड इम्यूनिटी बनी हुई है हमारी जो नेचुरल uh, इम्यूनिटी बनी हुई है इतनी बार सबको इन्फेक्शन हो चुका है इतनी बार सबको नहीं मतलब काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका होगा उसके अलावा वैक्सीन लगी हुई है तो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है ये क्या कमाल दिखाती है यही देखने वाली बात होगी क्या बिना मास्क के भी हम ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे क्या वायरस के केसेस फिर से बढ़ेंगे कोरोना के और इधर डब्ल्यू तो डरा ही कि नया आने वाला है बाबा जी का ठुल्ला नया चलो मैं आज बड़ा खुश हूँ मास्क के लिए और मैं आपको एक बात बोलूँगा एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ इसको सुन लेना कि मास्क कहाँ लगाना है जरूरी सबसे जरूरी सबसे ज़रूरी भाई हमारे लिए मुसीबत है डॉक्टर के क्लिनिक में हॉस्पिटल में ऐसी जगहों पे मास्क जरूर लगाएं समझे तो हमारे लिए तो अभी कोई ज़्यादा छूट है नहीं अगर हम दिमाग लगा के देखें डॉक्टर के लिए लेकिन हालांकि मैं अब पेशेंट को देख के मास्क लगा रहा हूँ सच बता रहा हूँ पर मुझे लगाना चाहिए कायदे से पर मुझे भी सांस की प्रॉब्लम है तो मैं बहुत अब सफोकेटेड फील कर रहा हूँ मैं पेशेंट को बोलता हूँ भाई आप पूरा मास्क लगाओ तभी अंदर आओ मैं हूँ मोदी हाँ मोदी जी भी कहाँ लगाते हैं मास्क आसपास वाले लगाते हैं तो बस सही है आसपास वाले लगाओ एक आदमी को छोड़ दो तो मैं अपने क्लिनिक का मोदी हूँ हाँ मैं अपने क्लिनिक का प्रधानमंत्री हूँ <laughs> तो चलो मोदी जी धन्यवाद आपने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर किया और मेरी जनता मुझे इतना तो माफ़ करेगी कि मैं अपने क्लिनिक का मोदी हूँ मैं अपने क्लिनिक का प्रधानमंत्री हूँ तो इसीलिए मैं मास्क शायद क्लिनिक पर ना लगाऊँ तो मैं बाकी लोगों को बोलूँगा आप सब मास्क लगा के मेरे साथ आस पास बैठेगा ठीक है चलेगा नहीं चलेगा तो लगा लूँगा और क्या हो बड्डे लोग बड्डी कला चलो चलता हूँ और आपके लिए एक जाते जाते आज तो मन बड़ा खुश है मांस खट चुका है तो इसी बात पे एक गाना हो जाए क्या ये सफ़र देखो कितना लंबा था फिर भी आप मेरे साथ साथ चले तो सफ़र कट गया तो हंसते हंसते कट जाए रसते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम चाहे दुनिया बदलती रहे हंसते हंसते कट जाए रस्ते जी हाँ हंसते हंसते कट गए रस्ते और आगे के भी रास्ता कट जाएगा क्योंकि जब तक आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है डर सिर्फ एक है कि बिना के मैं कितने दिन सरवाइव करूँगा थैंक यू वेरी मच आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस